हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मेरे को फर्स्ट ईयर के बच्चों से काफ़ी मैसेज आ रहा था गेट के रिगार्डिंग कि सर हम कोर ब्रांच हैं। मैक्सिमम कोर वाले पूछ रहे थे, सर मैं कोर ब्रांच से हूँ, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट तो है ही नहीं जी। कॉलेज का वेबसाइट देखा था मैंने, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, हाईएस्ट पैकेज 30 लाख गया। मैं तो खुश हो गया जी, 30 लाख मेरे को मिल सकता है पर ईयर। लेकिन जब अंदर आया सिनेरियो कुछ अलग ही था, जो 30 लाख एक का लगा था वो भी कहाँ, आउटसाइड इंडिया यूएसए में, वो भी कंपनी नहीं आई थी, ऑफ कैंपस से लगा था, कोई अप्रोच पुछ होगा। जब मैंने सब डेटा निकाला, अब कॉलेज का नाम मेरे को मत पूछना, ठीक है वो बता नहीं सकता, तो फिर परेशान था बच्चा काफ़ी था। सर जी यहाँ पर तो मेरे तो ब्रांच मैकेनिकल है और यहाँ पर तो मैकेनिकल का इक्का दुक्का कंपनी आती है, वो भी 2-4 बच्चों का प्लेसमेंट होता है और इतने सारे बच्चे हैं, क्या होगा मेरा फ्यूचर, मैं तो बहुत कन्फ्यूज हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, एनजाइटी है और सोच नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। तो मैंने पूछा आपका क्वेश्चन क्या है, तो उसने पूछा कि आप कृपया करके दो काम करना, नेक्स्ट ईयर इस मतलब नेक्स्ट बच्चे जो एडमिशन लेंगे उसके लिए इस तरह का एक वीडियो बना के छोड़ देना कि कैसे आप बचें अपने बर्बादी मतलब फालतू कॉलेज में एडमिशन लेने से, ठीक है। नेक्स्ट उसने जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन पर आपको आंसर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी, मुझे पता है आप लोगों को भी इसका आंसर चाहिए होगा कि क्या फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैं क्या इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। बिकॉज वो मेरे वीडियोस देखा काफ़ी सारा, बोले मैं आपको काफ़ी सारा वीडियोस देखा तो मेरे को रास्ता जो मिला दो ही मिला, या तो आप मैं MBA कर लूँ या फिर मैं गेट करूँ, उससे क्या करूँ आपका PSUs में जाऊँ या फिर IIT से अच्छे ब्रांच में जिस ब्रांच में प्लेसमेंट है MTech में वहाँ से MTech कर लूँ, ये उसने पूछा। लेकिन क्वेरी क्या था कि क्या फर्स्ट ईयर में हमें गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए, हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, जैसे आपको पता है प्रेप लेडर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है गेट प्रिपरेशन के लिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट तो आप डेफिनेटली क्या करिए, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसमें से एक फीचर है कस्टमाइज, जो मेरा फेवरेट है। कस्टमाइज मतलब क्या है, क्वेश्चंस के जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सब्जेक्ट से आप चूज करोगे वो आपके पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, RSE पढ़ लिया, HMT नहीं पढ़ा, आप दो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो 40 क्वेश्चन, तो आप अपना टेस्ट सीरीज खुद बना सकते हो। ये फीचर इस एप्लीकेशन में है और आप कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं। कोड यूज़ करना GATE 2022, जिसमें आपको क्या होगा 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन प्रेप लेटर के साथ। अब आते हैं टॉपिक पर, क्या फर्स्ट ईयर में हम गेट प्रिपरेशन कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर आप चाहते हो हाँ या ना में आंसर, तो देखो यहाँ पर मैं तो ना बोलूँगा, मत करिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो और ऐसा आपको लग रहा है कि मैं अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करूँगा तो मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, मुझे टेंशन बहुत हो रहा है उस, बिकॉज बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, ओवर थिंकिंग इसको बोलते हैं, तो आप अपने मन को दिल को मना नहीं पाते हो। मतलब दिमाग और आपका जो दिल है वो डिसबैलेंस हो जाता है, सोच सोच के मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, राइट, कैसा फ्यूचर होगा, और घर वालों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है एक्चुअली। मैं समझाता हूँ कैसे, आपको समझ में आएगा। अभी सिचुएशन ही ऐसा है, घर वाले सोचते हैं कि मेरा बच्चा तोप है, मतलब बुरा मत मानना, मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा, ये रिसेंटली, कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा ना बच्चे का नाम बताऊंगा, केस स्टडी। बच्चा का 10th में कितना आता है, आजकल CBSE बोर्ड में तो पता है आपको 10 CGPA आता है, सबके ही आते हैं, थोड़ा पढ़ लो 10 CGPA। 12th में कितना आता है, ये थोड़ा पढ़ने से नहीं आता लेकिन फिर भी CBSE बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 92% आ जाता है। BTech करता है बच्चा, ठीक है, कॉलेज ठीक ठाक मिलता है, टॉप 50 कॉलेज मिलता है उसको, लेकिन ब्रांच ऐसे मिलता है कोर ब्रांच का सब ब्रांच। उस कॉलेज का अगर एवरेज पैकेज देखोगे 12 लाख है, लेकिन इस सब ब्रांच का पैकेज का छोड़ो प्लेसमेंट ही नहीं होता है, या तो IIT में जाओ या तो भाई अपना ऑफ कैंपस देखो, 2-4 का ही प्लेसमेंट होता है। अब ये चीज घर वालों को हम बता नहीं सकते, बिकॉज घर वालों का क्या होता है, एक्सपेक्टेशन हाई होता है, मेरा बच्चा तोप है,
लेकिन हकीकत क्या है, घर वाले या तो पता नहीं या समझना नहीं चाहते, बच्चा बोल भी नहीं सकता। समझ रहे हो क्या बोल रहा मैं? बहुत सारे बोलते हैं लेकिन मैक्सिमम बोल नहीं पाते हैं, कैसे बोलेंगे? और घर वाले सबको बोलते हैं हमारे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो गया, हमारा बच्चा तोप है। तो अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बच्चे के अंदर जाके देखो बच्चा क्या सोचता है 92% के बारे में, 10 CGPA के बारे में। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो सोचो मत, घर वाले को सोचें तो कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूं थोड़ा सा फॉलो करोगे मजा आ जाएगा। एक्चुअली हर पापा मम्मी को लगता है कि उसका बच्चा बेस्ट है। मेरे घर वालों को लगता था, लेकिन मेरे घर वालों को मैं 10th में समझा दिया था कि ऐसा मत सोचना कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं एवरेज बच्चा हूं और मैं कोई IIT मेरा होने वाला नहीं, पहले बता देता हूं मैं आपको। घर वाले गुस्सा करते थे लेकिन बाद में समझ में आया उनको क्यों बोलता था मैं, अब समझ में आ गया उनको। पता है क्यों बोलता था उस टाइम? ताकि यार एक्सपेक्टेशन मत रखो मेरे से कि भाई मैं IAS क्वालिफाई करूंगा और IAS क्वालिफाई के आपके लिए वो लाल बत्ती गाड़ी लेके आऊंगा, मतलब ऐसा नहीं होगा भाई। वो मेरे को पता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्या है नहीं कर पाऊंगा बोला नहीं चाहिए, बिकॉज कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट जो एबिलिटी आपके अंदर है, जो आपके अंदर पैशन है, इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज धीरे धीरे आएगा उस फील्ड में, आप उसमें काम करिए। टीचिंग मुझे इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, मैं बहुत कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर भी बाकी जगह पर, तो दैट इज़ माय इंटरेस्ट माय पैशन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो जो उसमें पैशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसमें क्यों जाना है भाई, क्या करना है उसमें जाके, समझ रहे हो? और क्योंकि क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि मेरे को जी पायलट बनना है, लेकिन पायलट बनने का जो प्रोसेस है वो अलग होता है, वो इंटरेस्ट और बनने में डिफरेंस होता है, समझ रहे हो? तो ऐसे चीजें होते हैं, तो आप कभी भी कोई चीज को रिजिट मत लो। लाइफ है, कौन सा लाइफ टाइम रहेगा, इसका भी एक लिमिटेशन है, चला जाएगा। तो आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कैजुअल लो, बट सिंसियर रहो, थोड़ा पढ़ाई करो, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। एक ऐसे क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि बर्डन लगेगा, ये इस पोजीशन में आ गया लगेगा आपको, घर वाले सोच रहे हैं भाई हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सिर पे बोझ होगा लगेगा। तो आपका बोझ उतारने के लिए क्या करना चाहिए बता देता हूँ, दो चीजें करना आप, या तो कर लेना प्रिपरेशन स्टार्ट बट स्लोली। ऐसा मत करना कि भैया पहले महीना 10 घंटा पढ़ लिया और फिर मेरे को लगा कि भाई ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, छोड़ो ये सब नहीं होता, दिक्कत कर रहे हो। स्लोली स्टार्ट करो डेली, आप बस 1 घंटा 30 मिनट्स टू 1 आवर दो बस, और बाकी क्या करो 1 आवर, बाकी अगर आप फोकस करो CGPA पर, किसका, बीटेक का, बिकॉज बीटेक का CGPA, अगर आप थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कॉलेज किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो भाई परसेंटेज अच्छा रहना बड़ा महावरत है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपका, जिस जहाँ पर मेरे को नॉलेज है जिस यूनिवर्सिटीज का, लाइक आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं पढ़ाऊँ, MDU है उसके आसपास है, RTU है राजस्थान का, इनमें परसेंटेज लेना बहुत महाभारत है भाई, समझ रहे हो? मतलब अच्छा परसेंटेज नहीं आता इनमें, तो CGPA थोड़ा ध्यान दीजिए और डेली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप बोलोगे सर क्या मैं स्टार्ट करूँ फर्स्ट ईयर में, दो एक ही चीज़ स्टार्ट करो, मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाई कर रहे हो क्लास में उस मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो गेट का, बस एक ही एक सर के ही फोकस करो फर्स्ट ईयर। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स अगर निपटा लिया आपने, दो सेमेस्टर का जो सिलेबस है गेट में, दो सेमेस्टर जो पढ़ोगे आप काफ़ी है। फिर सेकेंड ईयर थोड़ा और देना, थर्ड ईयर में 3 घंटा दो डेली का, और थर्ड ईयर में पेपर हुआ गेट का, और गेट में अच्छा रैंक आ भी गया तो मज़ा आ जाएगा, आ भी गया मतलब क्या, आएगा तो मज़ा आएगा, नहीं आया तो एक साल और है ट्राई करना, और नहीं आया फिर भी मान लो क्वालिफाई कर रहे हो फिर और एक साल दे देना, ड्रॉप मार लेना कोई बात नहीं, बट अपना एफर्ट डालना है 100%। हाँ देखो होता नहीं होता बात की बात है, 100% एफर्ट डालो, बाद में रिग्रेट ना रहे कि भाई मैंने ट्राई नहीं करा, ट्राई करा तो कुछ और होता। मतलब एक रास्ता आपने करा तो अपना 100% एफर्ट दिया, हुआ नहीं हुआ ठीक है अच्छा बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई और रास्ता चूज करेंगे उसमें जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज की कमी थोड़ी है, बस आपको पाथ को पकड़ना है आगे जाना है। समझ रही हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसको समझना अच्छे से आप जो बता रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, मेरे दो पार्ट था, एक क्वेश्चन का आंसर देना था, प्लस ये भी आप लोगों को बताना था, बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चे फंसे हुए देखा मैंने, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं मुझे पता है। बिकॉज देखो क्या होता है ना, आप जब प्लस टू में होते हैं, प्लस टू जस्ट पास कर रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, तो आप अपने आप को शक करते हो जब आपका साथी का IIT में CSE में एडमिशन मिलता है और आपका हो नहीं पाता है। आप बोलते हो कहीं मेरे अंदर एबिलिटी की कमी तो नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्त। आप कभी भी ना एज ए स्टूडेंट, आप सुने होंगे बहुत से लोग बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट इसके अंदर बहुत है, ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। एज ए स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस रहना बहुत अच्छी बात है भाई,
जितना बड़े चीज बने ना, फेसबुक गूगल, ये सारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही बने हैं। मतलब इन्होंने कुछ अलग सोचा। हमारे एज ए स्टूडेंट आप हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस रहो, लेकिन काम करो भाई। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो काम भी करना पड़ेगा, तभी कुछ बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज कुछ एंटरप्रेन्योर्स के स्टोरीज पढ़ रहा था मैं, राइट। उसमें वो फंडिंग होता है, मतलब फंडिंग मतलब समझो कंपनीज जो कैपिटल मतलब पैसा जिनके पास होता है, वो क्या करते हैं कंपनी में, स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योर के आइडिया में पैसे लगाते हैं, दैट इज फंडिंग। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्या मिलता है, फंडिंग मिलता है, इनिशियली वो एफर्ट डालते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं पहले ना, फंडिंग देते नहीं कि तुम्हारा आइडिया बकवास है हम नहीं देंगे, वही कंपनी आते हैं ज़्यादा वैल्यूएशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड दैट एटीट्यूड यू नीड इट, और उसके लिए थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट, प्लस काम करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रैप लेटर का गेट विशन के लिए, एंड यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन लिंक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।